एपीएमसी एक्ट में बदलाव के बाद अब किसानों को भी उनके अधिकार हासिल होंगे। किसान अब जिसे चाहे, जहां चाहे और जब चाहे अपनी फसल अपनी शर्तों पर, किसान की शर्तों पर वो फसल बेच सकते हैं। अब कोई किसान अपनी फसल साथी वेयरहाउसेस में रखे अनाज या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के जरिए भी बेचे जा सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इससे एग्री बिजनेसेस के लिए कितने नए रास्ते खुलने जा रहे हैं। साथियों, इसी तरह हमारे श्रमिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए लेबर रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं। जिन नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर को इजाजत ही नहीं थी, उन्हें भी खोला गया है। आपका ध्यान इस पर भी गया होगा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर चलते हुए हम वो फैसले भी ले रहे हैं जिसकी मांग बरसों से हो रही थी। साथियों, दुनिया का तीसरा वो देश जिसके पास बहुत बड़ी मात्रा में कोयले का भंडार हो, कोल रिजर्व हो, जिसके पास आप जैसे साहसी और उद्यमी व्यापार जगत के लीडर्स हो, लेकिन फिर भी उस देश में बाहर से कोयला आए, कोल इंपोर्ट हो, तो उसका कारण क्या है? आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, कभी सरकार रुकावट बनी रही, कभी नीतियां रुकावट बनी रही, लेकिन अब कोल सेक्टर को इन बंधनों से मुक्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। अब कोल सेक्टर में कॉमर्शियल माइनिंग को परमिट कर दिया गया है। पार्शली एक्सप्लोर्ड ब्लॉक्स को भी अलॉटमेंट करने की परमिशन दी गई है। इसी तरह मिनरल माइनिंग में भी अब कंपनियां एक्सप्लोरेशन के साथ साथ माइनिंग का काम एक साथ कर सकती है। इन फैसलों के कितने दूरगामी परिणाम होने वाले हैं, ये इस सेक्टर से परिचित लोग अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है उससे हमारा माइनिंग सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो या रिसर्च और टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में इंडस्ट्री को भी अवसर मिलेंगे और यूथ के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज खुलेगी। इस सबसे भी आगे बढ़कर अब देश के स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में भी प्राइवेट प्लेयर्स की भागीदारी एक रियलिटी बन रही है। आप चाहें स्पेस सेक्टर में निवेश करना चाहें, एटॉमिक एनर्जी में नई अपॉर्चुनिटीज को तलाशना चाहें, पॉसिबिलिटीज आपके लिए पूरी तरह से खुली हुई हैं। हर अवसर आपका इंतजार कर रहा है। साथियों, आप ये भली भांति जानते हैं कि एमएसएमई सेक्टर की लाखों यूनिट्स हमारे देश के लिए इकोनॉमिक इंजन की तरह हैं। इनका देश की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और ये कंट्रीब्यूशन करीब करीब 30% का है। एमएसएमईज की डेफिनेशन स्पष्ट करने की मांग
लंबे समय से उद्योग जगत कर रहा था, अब वो उद्योग जगत की पूरी मार्ग भी पूरी हो चुकी है। इससे एमएसएमई बिना किसी चिंता के ग्रो कर पाएंगे और उनको एमएसएमई का स्टेटस बनाए रखने के लिए दूसरे रास्तों पर चलने की जरूरत नहीं रहेगी। देश के एमएसएमई में काम करने वाले करोड़ों साथियों को लाभ हो, इसके लिए 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर्स को खत्म कर दिया गया है। इससे हमारे छोटे उद्योगों को ज्यादा अवसर मिलेगा, एक तरह से आत्मनिर्भर भारत पैकेज एमएसएमई सेक्टर के इंजन के लिए फ्यूल का काम करने वाला है। साथियों, ये जो फैसले हैं उनकी रिलेवेंस समझने के लिए आज की ग्लोबल सिचुएशंस को देखना और उसे समझना भी बहुत आवश्यक है। आज विश्व के तमाम देश पहले की तुलना में एक दूसरे का साथ और अधिक चाहते हैं। देशों में एक दूसरे की जरूरत और ज्यादा पैदा हुई है, लेकिन इसी के साथ ये चिंतन भी चल रहा है कि पुरानी सोच, पुरानी रीति नीति, पुरानी पॉलिसीज क्या आज कारगर होगी क्या। स्वाभाविक है कि इस समय नए सिरे से मंथन चल रहा है और ऐसे समय में भारत से दुनिया की अपेक्षा एक्सपेक्टेशंस और बड़ी है। आज दुनिया का भारत पर विश्वास भी बढ़ा है और नई आशा का संचार भी हुआ है। आपने भी देखा है कि कोरोना के संकट में जब किसी देश के लिए दूसरे की मदद करना मुश्किल हो रहा था, हर कोई अपने को संभालने में लगा था, ऐसी संकट की घड़ी में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को मेडिकल सप्लाई भेजकर उनके लिए मानवीय मदद का काम किया है। साथियों, वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर ए ट्रस्टेड रिलायबल पार्टनर। भारत में पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है। आज पूरे विश्व में भारत के प्रति जो ट्रस्ट डेवलप हुआ है उसका आप सभी को, भारत की इंडस्ट्री को पूरा फायदा उठाना चाहिए। ये आप सभी की जिम्मेदारी है, सीआईआई जैसे संगठनों की जिम्मेदारी है कि मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया के साथ ट्रस्ट, क्वालिटी, कॉम्पिटिटिवनेस तीनों जुड़ा हो। आप दो कदम आगे बढ़ाएंगे, सरकार चार कदम आगे बढ़कर आपका साथ देगी। प्रधानमंत्री के तौर पर मैं आपको भरोसा दे रहा हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। भारतीय उद्योग जगत के लिए ये राइज टू द ओकेजन की तरह है। ट्रस्ट मी, गेटिंग ग्रोथ बैक इतना मुश्किल भी नहीं है। एक क्लियर पाथ है आत्मनिर्भर भारत का रास्ता, सेल्फ रिलायंट इंडिया का पाथ।
आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हम और ज्यादा स्ट्रांग होकर इट कैन बिकेम ग्लोबल फोर्सेस. इट इज अबाउट जनरेशंस दैट कैन डिफाइन द फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री. हमें एक ऐसी रोबस्ट लोकल सप्लाई चेन के निर्माण में इन्वेस्ट करना है जो ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी को स्ट्रेंथन करे. इसी अभियान में सीआईआई जैसी दिग्गज संस्था को मुझे लगता है आपको भी इंडिजिनस, आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की रिकवरी को फैसिलिटेट करना है, नेक्स्ट लेवल ग्रोथ को असिस्ट करना है, सपोर्ट करना है. आपको इंडस्ट्री को, अपने मार्केट को ग्लोबली एक्सपांड करने में मदद करना है. साथियों, अब जरूरत है कि देश में ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो मेड इन इंडिया हो, द वर्ल्ड हो. कैसे हम देश का आयात कम से कम करें, इसे लेकर क्या नए लक्ष्य तय किए जाएं, उस पर सोचने की जरूरत है. हमें तमाम सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने टारगेट तय करने ही होंगे. यही संदेश मैं आज ईशा भी आपसे रखता है. साथियों, देश में मैन्युफैक्चरिंग को, मेक इन इंडिया को रोजगार का बड़ा माध्यम बनाने के लिए आप जैसे एयर कंडीशनर, लेदर एंड फुटवेयर, इन तीन सेक्टर्स पर काम शुरू भी हो चुका है. सिर्फ एयर कंडीशनर को लेकर ही हम अपनी डिमांड का 30% से अधिक इंपोर्ट करते हैं. इसको हमें तेजी से कम करना है. इसी तरह दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा लेदर प्रोड्यूसर होने के बावजूद ग्लोबल एक्सपोर्ट में हमारा शेयर बहुत कम है. साथियों, कितने ही सेक्टर्स हैं जिसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, लगातार चल रहा है, और मैं बहुत गर्व